स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का इंटीग्रेशन के बारे में बताने जाती हूँ। आज मैं कुछ आपको सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊँगी, फिर मैं आपको फॉर्मूले सॉल्व करके दिखाऊँगी, और फिर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बताऊँगी कि कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कि sin एच एक्स है, तो sin एच एक्स का होगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू। तो इसी तरह cosec का हो जाएगा वन बाय sin एच एक्स, तो इसका हो जाएगा कितना, टू बाय ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसी तरह cos का हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय टू। तो इसके उल्टे sec का हो जाएगा वन बाय cos है, तो कितना हो जाएगा, टू बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसी तरह हम टेन का कर लेंगे, तो टेन का क्या हो जाएगा, टेन एच एक्स क्या हो जाएगा, साइन एच एक्स बाय cos हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। एच को हम हाइपरबोलिक फंक्शन बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। और टू टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह कॉट का हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन एच एक्स का हो जाएगा उल्टे हो जाएगा, कॉस एच एक्स बाय साइन एच एक्स। तो कितना हो जाएगा इसका, ये ऊपर चला जाएगा इसी तरह से। इसके कुछ एंटी डेरिवेटिव्स हैं, इस तरह से हम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रही हूँ कि फॉर्मूले इसके क्या होते हैं। जैसे जैसे ही साइन कॉस का होता है, सिंपल कॉस कॉस एक्स साइन एक्स का होता है, उसी तरह हाइपरबोलिक का फंक्शन का भी होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एच एक्स का क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और एक्स प्लस सी। इसी तरह साइन का हो जाएगा कॉस और sec का हो जाएगा sec स्क्वायर एच एक्स का टेन। इसी तरह माइनस cosec एच एक्स और cot का हो जाएगा sec हाइपरबोलिक फंक्शन एच एक्स प्लस और माइनस sec एच एक्स और टेन एच एक्स का हो जाएगा sec और माइनस cosec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा cot। तो जैसे कि हमने ऊपर एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में जाना कि साइन है तो साइन में यहाँ पे माइनस होगा और कॉस में प्लस होगा, बस दो ही फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद तो हम खुद उसको बैठा करके बना लेंगे। बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन का और कॉस का, उसके बाद तो हम ऐसे करके इसको बना सकते हैं खुद से भी। इसी तरह इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद तो खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताती हूँ कि इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ साइन है
हाइपरबोलिक फंक्शन एच एक्स कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे हम कॉस को मान लेंगे कि यू, कॉस को यू मानेंगे तो डी यू कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एच एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर क्योंकि कॉस स्क्वायर है, डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू क्यू बाय थ्री प्लस सी। तो अब हम इसका मान रख देंगे, यू का यू कितना है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एच क्यू एक्स बाय थ्री प्लस सी, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स एक्स वाई टू बाय एक्स वाई टू डी एक्स। तो यहाँ पे हम एक्स को मान लेंगे तो लेट यू इक्वल टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स। तो डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स वाई रूट एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स यू साइन एच यू हो जाएगा ये डी यू, और ये टू है तो टू यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टू कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एच यू प्लस सी, क्या हो जाएगा, टू कॉस रूट अंडर एक्स प्लस सी, इसका ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब तीसरा देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। इस तरह का देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है प्रॉब्लम। अब ये देखिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एच बाय कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एच स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, इसीलिए कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एच स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एच स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एच एक्स बाय साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एच स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एच एक्स बाय साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एच स्क्वायर एक्स इंटू वन बाय साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एच स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, इसका कॉस बाय साइन का हो जाएगा कॉट और कॉसेक। तो इसका हो जाएगा, इसका मैं फॉर्मूला आपको बताई थी कितना हो जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन एच एक्स प्लस सी, इसका ये हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊँगी कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ओके बाय।